शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन और भारतीय सेना के बीच बीते सोमवार को हुए संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। ऐसे में भारत भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में जमीयत उलमा दिग्रस ने चीनी सामग्री को आग के हवाले करते हुए चीन के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। चाइना मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाते ये लोग जमीयत उलमा दिग्रस इस संगठन के सदस्य और पदाधिकारी है। बीते सोमवार को भारत और चीन की सेना के बीच हुए जोरदार संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। लद्दाख के गलवान घाटी में हुई इस घटना के विरोध में भारत भर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू है। यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में भी गुरुवार को जमीयत उलमा दिग्रस ने भी चीन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए चीन के हमले में शहीद हुए सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और चीनी सामानों को आग के हवाले करते हुए चीन की हरकत पर कड़ा विरोध दर्ज किया। इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस मौके पर आइंदा दिनों में भी चीनी उत्पादों की खरीदी फरोख से किनारा करने के साथ ही चीन से जुड़े लगभग सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध और उत्पाद के आदान प्रदान पर रोक लगाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई। जमीयत उलमा दिग्रस जिला यवतमाल महाराष्ट्र की ओर से चीन मुल्क चीन का हम क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क के नौजवानों को पत्थरों से और लकड़ियों से शहीद कर दिया, इसलिए हम इस मुल्क का यानी मुल्क चीन का विरोध करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे मुल्क के अंदर में जो आज ये जो फिजा चल रही है, चीन ने जो ये हमारे साथ में गुस्ताखी की है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि हमारे मुल्क के अंदर में जहाँ भी इनकी चीज़ें पाई जाएगी, हम इसका बहिष्कार करते हैं और आइंदा कोई चीज़ हम इसकी खरीदी फरोख्त नहीं कर सकेंगे, करेंगे नहीं हम इंशाअल्लाह, और हम इसका विरोध करते हैं। चाइना मुर्दाबाद। इस विरोध प्रदर्शन में मौलवी इसहाक कासमी, मोहम्मद अल्ताफ कासमी, मौलवी नजीर हाजी वहीद खान, हाजी सलीम गारवे, मोहम्मद आतिक महाराष्ट्र वाले, अजीम खान, जमीर खान पठान, अकील चौधरी, साजिद पतले वाले, फिरोज खान, मोहम्मद अयूब, अजीम भाई, मोहम्मद रहमान, फहद भाई आदि उपस्थित थे। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।